नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय वर्मा, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड प्रोफेसर इन मेडिसिन, शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भिलाई। मैं विगत 20 सालों से मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूं और आपके सामने एक बहुत ही कॉमन समस्या, जिसको कि हम थायराइड के नाम से जानते हैं, उसकी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। थायराइड जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथी है, जो कि हमारे गले में पाई जाती है और इसमें से हॉर्मोन्स निकलते हैं, जिनको कि हम थायराइड हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं। और इनका होना हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, बच्चे के बड़े होने से लेके बुढ़ापे तक, इसके हमारे रूटीन में, लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थायराइड हार्मोन का नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। इवन जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या फिर एडल्ट हैं या फिर बच्चे हैं, सभी के में थायराइड हार्मोन नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमको पता है कि यदि गर्भवती महिलाओं में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसको कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं, उसमें गर्भस्थ शिशु का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अतः इसकी जानकारी एवं इलाज उस समय करना अत्यंत आवश्यक है। उसी तरीके से यदि कोई बच्चा जो कि पढ़ रहा है और अगर उसका थायराइड हार्मोन ठीक नहीं है या फिर कमी की तरफ है, तो फिर हम उसको थायराइड रिप्लेसमेंट करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा उनकी पढ़ाई और उनके जो प्रोफेशनल और एजुकेशनल डेवलपमेंट है, उसमें बहुत सारा असर होने की संभावना रहती है। उसी तरीके से किसी अन्य एडल्ट में भी थायराइड हार्मोन का नॉर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी जानकारी हमें एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा की जा सकती है, जिसको कि हम T3, T4, TSH बोलते हैं, और कुछ विशेष परिस्थितियों में FT3, FT4, TSH करते हैं, जिससे कि हमें पेशेंट का थायराइड स्टेटस हम पता कर सकते हैं। जैसे कि थायराइड की कमी से हम जो बीमारी होती है, उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर थायराइड हार्मोन यदि हमारा बढ़ जाता है शरीर में, तो हम उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ये दोनों बीमारियों का इलाज एक प्रशिक्षित डॉक्टर आसानी से ब्लड टेस्ट के द्वारा पता करके और अप्रोप्रिएट दवाइयाँ दे करके आपका इलाज कर सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी, किंतु मुझे पता है कि आपको और भी अन्य क्वेरीज होंगी। इसके लिए आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।